हेलो व्यूवर्स, कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? मैं हूँ डॉक्टर तौसीफ। आज एक न्यू वीडियो के साथ में आया हूँ और आप लोगों को मैं आज दिखाऊंगा कि जब मैंने चाइना लैंड किया तो फिर उसके बाद जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं उनको कैसे फॉलो करना है और मेरे साथ क्या क्या हुआ। चलो मैं आप लोगों को वो दिखाता हूँ। और जो मेरी लास्ट वीडियो है, मैंने उसके अंदर कोशिश की है कि जो सऊदी एयरलाइंस है उसकी जो चीज़ें हैं, प्रोटोकॉल्स, कुछ टिप्स वगैरह मैंने दी हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो वो जाके आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखनी है और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसको लिंक ऐड कर दूंगा। चले फिर अब मैं दिखाता हूँ गुआंगजू में क्वारंटीन डेज और वहाँ के प्रोटोकॉल्स किस तरह के होते हैं। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। गुआंगजू एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे तो वहाँ पर आपको इस लॉज में बिठाया जाएगा, वेटिंग एरिया है। देन उसके बाद आप लोगों को एक इस तरह का फॉर्म टाइप दिया जाएगा जिसके अंदर आप लोगों ने सारे डिटेल्स फिल करनी है और आपका जो प्रोफेसर है या टीचर आईएसओ के, उनके कॉन्टेक्ट और डिटेल्स आपको चाहिए होंगे। हमें होटल में लेके आए और यहाँ पे होटल इंटर करने से पहले ये सारे चेक वगैरह किए जा रहे हैं और इसी तरह सिटिंग इन लोगों ने की है। वन बाय वन आ गए जाते हैं बंदा, दिन उसके बाद इंट्री वगैरह होती है और हर पॉइंट पे ये लोग स्प्रे करते हैं, वही सैनिटाइज करते हैं। हम लोग ये जो होटल था उसमें हम इन हो चुके हैं और यकीन माने बहुत एक्सपेंसिव वही है यहाँ पे। और बाकी रूम तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा है, बट बीइंग एज स्टूडेंट फिर ये चीज़ हमें देखनी पड़ती है, काफ़ी एक्सपेंसिव पॉइंट है। वाटर बॉटल्स इन लोगों ने रखे हैं और जो स्टरलाइजेशन वाइप्स होती हैं लिक्विड, वो उन लोगों ने रखी है और कुछ फूड वगैरह दिया। अब मुझे समझ ही नहीं आ रही है कि हलाल हराम क्या सीन है, तो इसका भी कुछ निकालते हैं सोल्यूशन। और बाकी रूम बहुत ही आला है और उनका वॉशरूम भी रहता है। आज मेरा पहला दिन है यहाँ पे क्वारंटाइन का और रात को बहुत थक चुके थे और सोए थे हम लोग, मज़े से सोए। सुबह उन लोगों ने नॉक किया, बस उठ के ही नाश्ता उठा लिया और उठाने के बाद फिर से सोया था। अभी फिर लंच का टाइम हुआ है, अभी फिर मैं खड़ा हो गया हूँ और ठीक है, माहौल भी सही है। बट यहाँ पे सबसे जो बड़ा मसला हमें आ रहा है वो फूड का आ रहा है। मैं उन आपको दिखा देता हूँ कि फूड किस तरह का है और मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि इसको मैं इंटेक करूँ ना करूँ। और इनिशियली थोड़ी सी स्मेल आती है इनके फूड से, तो उस वजह से मुझे भी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ रही है। तो ब्रेकफास्ट के लिए ये लेके आए थे मेरे लिए, मुझे समझ नहीं आई है कि आप ब्रेड बनाया इन लोगों ने और दूसरे वाले उसके साथ एग, चलो मैंने खा लिया उसके साथ। ये कॉर्न, ये भी बहुत अच्छा टेस्ट है इनका। और उसके बाद ब्रेकफास्ट में ये एक डिफरेंट सा सूप था, हर वो क्या था, ये बहुत स्मेल आ रही थी, मैं इसको नहीं ले सकता। राइट आफ्टर ब्रेकफास्ट कोई 11:40 के बाद लेके आए ये इनका लंच भी। और अब मुझे समझ ही नहीं आ रही ना इसके ऊपर कोई हलाल का टेग है, कुछ भी नहीं है, समझ ही नहीं आ रही। अब खाए तो क्या, दिखने में तो ठीक है, अब जाहिर सी बात है हलाल फूड को हम लोगों ने देखना है। तो इनके जो रिसेप्शन वाले, मैं इनको डायल कर रहा हूँ, नंबर नहीं लग रहा, जब अपनी कंफर्मेशन करूँगा देन उसके बाद मैं इसको खा लूँगा। तो ये सिचुएशन है यहाँ पे। अच्छा, जब तक उसकी कंफर्मेशन होगी है, ये तो चावल तो पड़े हुए ना, तो मैं चावल वगैरह ट्राई करता हूँ, देखते हैं कि टेस्ट किस तरह का है इनका। बहुत फीके हैं, बेमजा। पाकिस्तानी वाला बंदा ना बस मजबूरी में खा सकता है, बाकी कुछ भी नहीं। चल अभी हम भी इधर मजबूर है, फंसे हुए हैं, खाना पड़ेगा ना। कॉल कर लिया, कॉल करने के बाद मेरी कंफर्मेशन कर दी और अच्छा हुआ
कि मैंने इस फूड को, दूसरे जो चीज़ें थी ना, गोश्त वगैरह, वो मैंने बिल्कुल भी नहीं खाए थे। और जस्ट मैंने राइस को चेक किया था और अब मुझे कंफर्म हो गया कि हलाल फूड नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाकी अब जो भी बंदा आया ना पहले होटल के अंदर, वो उनसे कंफर्मेशन कर ले कि हलाल फूड है कि नहीं है। अगर आपको ऑलरेडी सर्व करते हैं, आपको समझ नहीं आती या रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं ये लोग, तो आपने जो होटल मैनेजमेंट का जो एक्सटेंशन होता है उस पर आप लोगों ने कॉल करना और उससे कंफर्म करना है लाजमी। तो जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपको एक सिम लेना पड़ता है यहाँ पे चाइनीज नंबर, और वो भी मैंने ऑर्डर किया था राइट आफ्टर पहुँचने के बाद, और पांचवें दिन बाद, छठे दिन बाद मुझे आज बड़ी मुश्किल से मिला है। और ये रहा मेरा नया न्यू नंबर, और जो भी आप आएंगे यहाँ पे तो आप लोगों को ये सिम लेना पड़ेगा, और इसके चार्जेस डिफरेंट हैं 120 से लेकर 200 युआन तक। तो मैंने 200 वाला परचेज़ किया हुआ है, तो अभी इसको मैं यहाँ पे एक्टिव करके अपना न्यू नंबर लेके चलूँगा। तो जो सिम मिला है मुझे उसको ओपन करते हैं और देखते हैं क्या सीन है। अच्छा, तो ये है जी सिम 5G का, वाओ। और ठीक है, तो ये मेरा होगा न्यू नंबर, तो इससे करेंगे हम लोग बात, ठीक है। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके, मुझे चाहिए।